हाँ तो भाई कैसे हो सारे? बढ़िया। तो पहले बातचीत करते हैं क्लास मुंडा ट्रैक के बारे में। तो भाई ये जो ट्रैक है आई थिंक इस वीक में शूट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है इसका शूट, क्योंकि जैसे कि कल हनी पाजी और अतुल बिग डांस जो कोरियोग्राफर है उन्होंने स्टोरी लगाई थी कि उनको जो है कुछ डांसर चाहिए है 30+ मेल्स जिनको MJ एंड फंक डांस आता हो। तो हनी पाजी जो है दुबई जाएंगे और शूट चालू हो जाएगा इस ट्रैक का। इसके अलावा जो है आज RDM सर ने एक स्टोरी लगाई है, नॉर्थ अमेरिका बेस्ड फीमेल एक्टर फॉर अ शॉर्ट मूवी प्रोजेक्ट प्लीज़ DM। अब शॉर्ट मूवी मतलब कि भाई क्लास मुंडा के लिए कोई फीमेल एक्टर चाहिए है, तो भाई ये जो ट्रैक है ना ये भी एक शॉर्ट मूवी की तरह होने वाला है। जैसे कि हनी पाजी ने काफ़ी ट्रैक्स निकाले हैं लाइक लश्कारे और जाम्बी था शायद, मतलब काफ़ी हनी पाजी के जो ट्रैक्स होते हैं कला स्टार देसी कलाकार ब्लू आइज मोस्टली जो ट्रैक्स हैं उनकी मूवी की तरह होते हैं, वो ज़्यादातर बहुत बड़ी स्टोरी दिखाते हैं अपने ट्रैक में। बाकी एक्साइटमेंट लेवल तो भाई ऊपर ही होते जा रहा है, क्या सीन होने वाला है, कब ये ट्रैक सुनने को मिलेगा भाई बता नहीं सकता हूँ, आप लोग बताओ क्या है आपका सीन। बाकी इसके अलावा 2014 में हनी पाजी ने जब ट्रैक ड्रॉप करा था ना इसे कहते हिप हॉप विथ लिल गोलू, तो उसमें उन्होंने एक रेफरेंस दिया था, चेक करो। मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा संबच रंग बली की। तो करंटली जो हनी पाजी के काफ़ी ज़्यादा फैंस है ना भाई वो लगे हुए हैं मीम्स बनाने में, और उनका कहना है दिस मैन डिजर्व एटलीस्ट 1 Grammy Award इन हिज करियर, और कैप्शन में लिखा है ही हैज़ वन ऑल अवर हार्ट्स दो। तो ये तो भाई लिटरली हनी पाजी सही में डिजर्व करते हैं भाई 1 Grammy Award तो। लेकिन भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, हनी पाजी के पास कब की ग्रैमी अवार्ड आ जाती भाई? सीन वही था ना, 6 साल वो गायब हो गए, बीमार हो गए, दैट्स बाय वो सीन में नहीं थे, काम नहीं कर पाए, तो भाई उनका ड्रीम कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन भाई ये हनी सिंह है, हनी पाजी हार नहीं मानने वाले भाई, वो कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटे हैं, वो हमेशा करके ही मानते हैं, और ग्रैमी अवार्ड ना वो जरूर लेके आएंगे, ये तो भाई लिख के ले लो, इन फ्यूचर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी इसके अलावा कर्मा भाई की साइड से एक डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप हुआ है, बेसिकली फ्री स्टाइल वार्निंग डिस्क कह सकते हो, जो एग्जी एंड लोका पे है। तो भाई का एक वार्स है इसमें जिसमें वो काफी जो OG रैपर्स है ना भाई सीन में उनको शाउट आउट दिया है, लाइक इक्का रफ्तार अपने हनी पाजी जियान डिवाइन कृष्णा। देखो हनी सिंह नहीं पर बच्चे बिगाड़ू सर पे लगे केस, देखो जैसे कि तुम ये लाइंस देखो डोंट कॉल मी इक्का पर सीन में हूँ एज, देखो इक्का का मतलब भी एज होता है, नाम नहीं रफ्तार पर मूव्स हाई पेच देखो, अब रफ्तार का एक ट्रैक था मूव नाम से तो ये भी शाउट आउट है। बट हनी पाजी वाला जो केस है ना भाई ये समझ नहीं आया क्या है, हनी सिंह नहीं पर बच्चे बिगाड़ू सर पे लगे केस देखो, अब भाई इसको शाउट आउट कह रहे हैं जो मोस्टली लोग हैं ना 90% जो रिव्यूज वगैरह करते हैं भाई उनका कहना है कि ये शाउट आउट है हनी पाजी पे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हनी पाजी पे शॉट्स लिए हैं। अब भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है। बाकी आई गेस यार हनी पाजी और एग्जी के रिलेशन अच्छे हैं, एग्जी काफ़ी ज़्यादा हनी पाजी के साथ स्पॉट हुई है, और दूसरा MAVA के साथ में कर्मा का सीन नहीं चलता सही है ना, तो भाई ये भी हो सकता है क्योंकि हनी पाजी ने MAVA के साथ में काफ़ी काम करा है, फ्यूचर में देखने को मिलेगा, और अभी गुड बॉय ट्रैक में भी अपनी बीट्स प्रोड्यूस करी थी तो हो सकता है उससे भी कुछ शॉर्ट्स वगैरह हो सकता है। बाकी जो मोस्टली है ना भाई जो DHS लिसनर्स हैं भाई उनका यही कहना है कि शाउट आउट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब देखो हनी पाजी ने गाने तगड़े तगड़े बनाए हैं लेकिन जो दूसरी जनता है उनको यही लगता है कि हनी सिंह बच्चे बिगाड़ता है, और हनी पाजी पे काफ़ी ज़्यादा केस भी लगते हैं भाई, चलते ही रहते हैं किसी ना किसी वजह से भाई सीन क्रिएट हो जाता है, तो ऐसा कुछ रेफरेंस है। आपका क्या सोचना है भाई कमेंट्स में बताओ कि कर्मा यार क्यों ही हनी पाजी को शॉर्ट्स देगा, हनी पाजी ने कभी कर्मा के बारे में कुछ ऐसा बोला ही नहीं, इनफैक्ट आज तक बात ही नहीं करी। फ्री स्टाइल वार्स का यही सीन होता है भाई, या तो तुम शाउट आउट में ले लो या फिर भाई तुम शॉर्ट्स ले लो, मतलब डबल मीनिंग कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को हनी पाजी के फैन हो। बाय।